ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं इसको लेक्चर को अपना, कि लेट वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एन एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है ठीक है, एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा ठीक है। देन देन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, देन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors of these two vectors given by ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सो वी कैन राइट दैट ए वेक्टर। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, देन इसमें आ जाएगा साइन थीटा ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड देन ऑल्सो देखो, जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपने करा था, उसके अंदर क्या था कि आप जब प्रोडक्ट कर रहे थे तो जो रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें डायरेक्शन भी आएगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एन कैप से। अब कैप लग रहा है तो ये क्या यूनिट वेक्टर है, ये तो समझ में आएगी आपको कि कैप लगा हुआ है तो ये क्या है यूनिट वेक्टर ठीक है। आगे और अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज ए बी साइन थीटा एन कैप ठीक है। और ये आपका आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उनका, जिसको कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं, वो क्या आता है ए बी साइन थीटा एन कैप ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं अपन इस तरह से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एन कैप, एन कैप क्या शो कर रहा है ठीक है। एंड कैप इट इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट करा है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है ठीक है। हाँ, आपको सॉल्व करवाया था ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। तो एन कैप क्या होगा, एन कैप इट इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड हियर एन एन जो लिखा हुआ, एन का क्या मतलब है, हियर एन मीन्स डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो दो पॉइंट, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर है, उसको आपने क्या करा, वेक्टर प्रोडक्ट करा, जिसको कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ध्यान से सुनना। तो उसको ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपको क्वांटिटी मिल रही है, ये जो क्वांटिटी है ठीक है, ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। इट मीन्स ये है कि जो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी, ये क्वांटिटी कैसे मिलेगी, इस पूरी की बात कर रहा हूँ मैं, येलो से मैंने जिसको कवर किया है।
ये प्रोडक्ट जो आपको मिलता है कैसा मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करके जो मिलेगा आपको वो क्वांटिटी कैसे मिलेगी आपको, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसमें जो ये ए बी साइन थीटा होता है ये तो किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को। ए बी साइन थीटा किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को। और एन कैप किसको शो करता है, एन कैप शो करता है डायरेक्शन को, ठीक है। एन कैप शो करता है डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। जब आपने प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट जो मिला है उसकी डायरेक्शन को कौन शो करता है, एन कैप। अब इस एन कैप का क्या मतलब होता है, एन कैप का मतलब होता है एन कैप, कैप लगाए तो यूनिट वेक्टर है ऑब्वियसली। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन को शो करना। तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, जिस प्लेन में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, जिस प्लेन में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर जो है, यानी उसके नॉर्मल जो है आपके प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। देखो मैं आपको इसको विद इसको ड्रॉ करके बताता हूँ ना आपको। ये देखो आप, लाइक एक्सिस ले लेते हैं अपन अगेन। ये लिया हमने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस हो गई आपकी, लेट दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, ऑब्वियसली प्लस की बात कर रहे हैं अभी तो। एंड दिस इज अ जेड एक्सिस, ओके। ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं कि भाई ये एक्स डायरेक्शन में हमारा, या ऐसे कर लेते हैं कि जो वाई डायरेक्शन है, इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। ये देखो ये एक्स डायरेक्शन हम इसको ले लेते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस जो है उसमें आपका क्या है, ए वेक्टर है। एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसमें आपका कौन सा, हमने कौन सा वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए वेक्टर, और वाई जो है उसमें ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर का प्लेन कौन सा हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, दिख रहा है आपको। ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो हमने क्या कहा, जब इनका प्रोडक्ट किया जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो इस प्लेन के नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल होगी तो किस डायरेक्शन में होगा वो बताओ, किस डायरेक्शन में जाएगा आपका प्रोडक्ट, या जाएगा जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई डायरेक्शन, अब ये तो पता चल गया जो डायरेक्शन होगी प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, जिस प्लेन में आपके वेक्टर्स हैं जिनको क्या प्रोडक्ट कर रहे हो उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन अभी मैंने यहाँ पर भी शो कर दिया। अब डायरेक्शन पता करने के लिए जो रूल लगाते हैं, दो रूल है यहाँ पर, हाँ मैं रिपीट करूंगा। देखो आप है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा है उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, उसके दो रूल होते हैं फॉर द टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो रूल जो है, देयर इज टू रूल्स। फर्स्ट रूल इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फर्स्ट जो रूल है उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि कर्ल, देखो आप यहाँ पर कर्ल द फिंगर्स ऑफ, कर्ल्स द फिंगर्स ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड सच डेट द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स टू बी फाइंड आउट,
है, दोस प्रोडक्ट टू बी फाइंड आउट। तो ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच डेट द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स दोज प्रोडक्ट टू बी फाइंड आउट। यानी कि यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी। तो आपको कैसे करना है, ए से बी की तरफ आपके राइट हैंड जो है, ध्यान से समझना, जो आपका राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। अब राइट हैंड में आप देखो, ए से बी की तरफ आपको फिंगर्स, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे बना लो इसको, ये ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी पे, ठीक है। और कॉपी पे ऐसे करके, कॉपी पे ऐसे करके इस पेन को रख लेना, ठीक है। जैसा डायग्राम हमने बनाया है आपके इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वैसा ही करना है आपको। इस तरह से रख लेना इसको, ठीक है। और फिंगर्स को आप कर्ल करना, फिंगर्स को कर्ल करना जिस भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ लाना फिंगर को, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ लाना फिंगर को। तो ये जो आपका थंब होगा, थंब किसको शो करेगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जो थंब होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी कॉपी, यू कैन डू इट ऑन योर कॉपी ऑल्सो, ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर कॉपी, ओके। एंड देन पुट योर पेन एट द ओ, ओ पर अपना पेन रख देना, ठीक है। और अपनी जो फिंगर्स है उसको ए से बी की तरफ कर्ल करना। तो ए से बी की तरफ जब आप कर्ल करोगे तो आपका थंब है ना, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच डेट द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स दोस प्रोडक्ट टू बी फाइंड आउट। देन 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 थंब विल शो, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ, शो द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थंब जो होगा वो किसके डायरेक्शन को शो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसी का एक केस और देखते हैं अपन। देखो आप, एक केस और बताता हूँ मैं आपको, फिर आपको डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो लेट्स सी दिस डायग्राम अगेन, एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम एक एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस वन इज नाउ एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन, ओके। नाउ दिस इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर ए, ठीक है। प्लेन देखें अपन, इसका प्लेन कौन सा बन रहा है, तो ये प्लेन बन जाएगा आपका, यानी ये प्लेन वही आएगा जो आपकी कॉपी का पेज है ना, वही आपका प्लेन। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या, कौन बताएगा भाई क्या आएगी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो आप, वही अपना रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है। ए क्रॉस बी आप जाओगे, हाँ अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। आप ए क्रॉस बी आप जाओगे तो ऐसे जाना पड़ेगा आपको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आपको करना है क्या, अपने पेपर पे इस डायग्राम को बना लो, ठीक है। डायग्राम पे को बना के पेन को ओरिजिन ओ पे रख देना। अब अपना हैंड, राइट हैंड जो है उसको ए से बी की तरफ ले जाओ। तो आप बताओ कि डायरेक्शन अपवर्ड आएगी या डाउनवर्ड आएगी, बाकी सब भी आंसर कर सकते हैं भाई, सब लोग आंसर कर सकते हैं। ये डायग्राम अपनी कॉपी पे बना लो आप लोग, और कॉपी पे बनाकर पेन को ओरिजिन पे रख देना, और ए से बी की तरफ आपको फिंगर को कर्ल करना है। तो ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो जो थंब है वो अपवर्ड आ रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है, एक बार देख लो भाई सब लोग, कौन सी बड़ी बात है, इसमें कर सकते हो आप लोग भी परफॉर्म। कैसा आ रहा है, माइनस जेड एक्सिस में आ रहा है, वेरी गुड संस्कृति। बाकी लोग भी कर सकते हो भाई, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ कोई इतना टफ काम नहीं है। कॉपी पे बनाओ उसको, पेन रख लो और ऐसे ए से बी की तरफ कर्ल करो, है कि नहीं।
तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी इस केस में? डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की, है ना बेटा, माइनस जेड डायरेक्शन। तो हम एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं नीचे की तरफ, ये हमने ड्रॉ कर दी एक्सिस, एंड इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ माइनस जेड एक्सिस में आएगी आपकी बार। ये जो है ये आपका ए क्रॉस बी को शो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? माइनस जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? तो आपको ये राइट हैंड थंब रूल लगाना है, सबसे इजी रूल है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से अप्लाई होगा। समझ में आया नहीं आया सबको ये बताओ? ठीक है, कर लोगे अप्लाई, रूल अप्लाई कर लोगे? सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, है ना। बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, ओके, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ देयर इज वन मोर रूल इज ऑल्सो देयर, एक रूल और है, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ रूल, कोई भी एक रूल आप लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ रूल। ठीक है, एक रूल और बता देते हैं आपको, ये है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या करेंगे? देखो, आपने हमें स्क्रू टाइट तो किया ही होगा कभी ना कभी आज तक। ठीक है, तो आप जब भी स्क्रू को टाइट करते हो, यानी जब आपको स्क्रू को इनवर्ड भेजना है, तो स्क्रू को इनवर्ड टाइट करने, अंदर भेजने के लिए कैसे घुमाते हो उसको? क्लॉकवाइज घुमाते हो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो? सर बोलो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं। बस यही रूल है, यही आपका क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल है। मैं आपको डायग्राम इसका बता देता हूँ, जैसे एक स्क्रू हम ड्रॉ करके देखते हैं इधर, देखो आप। ठीक है, जैसे एक स्क्रू बनाते हैं हम, इस तरह से हमने एक स्क्रू बनाया, ये स्क्रू बना। ठीक है, अब इसके एक्सिस बना देते हैं, ये एक्सिस हम बना ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये हो गई एक एक्सिस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें, अब ये स्क्रू है आपका, इस तरह से ये स्क्रू है। अब इस स्क्रू को आपको इनवर्ड भेजना है, ठीक है, इनवर्ड मूव कराना है। नाउ आई विल, आई एम टेकिंग हियर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, अब इफ आई रोटेट इट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अपन घुमा रहे हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, या इसके बीच का जो एंगल है, एंगल हमें दे रखा है थीटा। ये एंगल ध्यान रखना भाई, यहाँ भी हमें भूल गया लिखना, ये थीटा है एंगल, इनके ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेट करते हैं कि ये जो स्क्रू है ये क्या है, इस तरह से इनवर्ट्स जाए। ध्यान रखना थोड़ा, ए क्रॉस बी अपन करते हैं, इस तरह से करते हैं कि भाई ये इनवर्ट्स जाएगा, तो इनवर्ट्स जाएगा इस डायरेक्शन में, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैं आपको इसका स्टेटमेंट भी बताता हूँ, स्टेटमेंट क्या है, इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू, इसका स्टेटमेंट देख लो आप, इफ इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू, ठीक है, इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस, ठीक है, इज प्लेस्ड विद एक्सिस, विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड इज रोटेटेड फ्रॉम, एंड इज
रोटेटेड फ्रॉम, ठीक है, एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर टू बी वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, ठीक है, थ्रू स्मॉलर एंगल, थ्रू स्मॉलर एंगल देन, थ्रू स्मॉलर एंगल देन द डायरेक्शन इन विच, देन द डायरेक्शन इन विच, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस, इन विच द स्क्रू एडवांसेस, ठीक है, इन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस गिव्स द, gives the direction of, gives the direction of a cross b, a cross b की क्या होगी direction मिलेगी, ठीक है। इसमें हम let's see here, I have just, you just mention here that this is the angle between it, a और b vector जो है उनके बीच का angle क्या है, theta है, और ये आपकी perpendicular axis है, ये किसको show करेगी, a cross b को, है ना। अब जैसा इसमें हमने स्टेटमेंट या जो भी डेफिनेशन लिखी है इसकी, क्रॉस प्रोडक्ट स्क्रू रूल की, तो स्क्रू रूल में करना है। आप देखो, आप खुद थोड़ा इसको डायग्राम को छोड़ो, आप तो एक सामने दिख रही है आप, इस तरह से आपका पेन रखो, ठीक है। अब पेन रख के इसको स्टार्ट करो घुमाना, इसको जब आप घुमाओगे, ठीक है, तो जब आप इसको घुमाओगे वैक्टर को आप प्लेस कर लो उसके अकॉर्डिंग, वैक्टर को उसके अकॉर्डिंग प्लेस कर लो। अब जनरली आप कैसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो किससे जाता है वो अंदर की तरफ। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी इस तरह से कर रहे हो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, इनवर्ट्स हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। और अगर आपने ए क्रॉस बी ऐसे रख लिया कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ये क्या आएगा, स्क्रू आउटवर्ड्स आएगा, आउटवर्ड्स आएगा, तो वो जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स वो किसकी हो जाएगी, ए क्रॉस बी की हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से समझ लो आप तो, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्शन ये जो फिगर है, ये फिगर आपको, ठीक है, फिगर जो है, फिगर यही शो कर रहा है कि दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, वो आपकी कॉपी का जो पेपर है ना, कॉपी के पेपर के प्लेन पे है, वो प्लेन ए क्रॉस बी का है, और उस कॉपी के पेपर के जो परपेंडिकुलर है उस पे आपको स्क्रू रख देना है इस तरीके से। अब आप ए क्रॉस बी जैसे चाहो वैसे घुमाओ, जिस तरफ ए है या क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने ए क्रॉस बी रोटेट करा तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो, और इस तरह से घुमाओगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर ऊपर जा रहा है तो वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड, और नीचे आ रहे तो डाउनवर्ड आ रहे तो वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर के जो है दो रूल है डायरेक्शन पता करने के, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसमें क्या आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाती है ना, जो आप इस केस में जो वेक्टर प्रोडक्ट आप करोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी, डायरेक्शन भी आ जाएगी। एक बार समराइज कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक चेंज होगा इसके बाद, टॉपिक मतलब पढ़ तो वेक्टर प्रोडक्ट ही रहे हम इसमें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप आ जाता है, इसमें ए बी साइन थीटा जो होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, एन कैप जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, किसकी डायरेक्शन को, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। एन मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। अब ये डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो उसके दो रूल होते हैं, एक होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, और एक होता है राइट हैंड आपका स्क्रू रूल। तो आप कोई सा भी एक रूल लगाना है जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, थंब रूल लगाना है थंब रूल लगाओ, स्क्रू रूल लगाना है तो स्क्रू रूल लगाओ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपके राइट हैंड की फिंगर को आप ऐसे कर्ल करना है जिन वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसकी डायरेक्शन में आप उसको कर्ल कर लो, जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। ऐसे ही हमने फिर राइट हैंड स्क्रू रूल देखा, स्क्रू रूल में भी वही है कि भाई ये दो वेक्टर है जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उस वो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर में आपको क्या करना है, स्क्रू की एक्सिस को रख देना है या स्क्रू को उस तरह से रख देना है। अब ए और बी को आप जब ए से बी तक जब आप उसको रोटेट करते हो, तो रोटेट करोगे तो जो डायरेक्शन होगी यानी जिसमें वो एडवांस हो रहा है, ठीक है, एडवांसमेंट जिसमें हो रहा है स्क्रू का, वो जो है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो बस इसमें डायरेक्शन और आती जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इसका, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे हमने उसका देखा था डॉट प्रोडक्ट का, ऐसे ही अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है ना। चलो
ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास है अब कि ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं टॉपिक को। जैसे वहां पर आपने क्या दिया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हमने बताया था, यहाँ पर हमको देखना है वेक्टर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो देखो वही अगेन दो वेक्टर टू वेक्टर्स ले लेते हैं। देखना आप यहाँ पर, लेट्स टेक टू वेक्टर्स, ये हमारा एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ओ। देन ओ पी से हम वेक्टर बताए थे बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर हो गया ठीक है। नाउ दिस इसको बताए थे ओ क्यू ठीक है, ओ क्यू वेक्टर हमारा हो गया ए वेक्टर ठीक है। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ध्यान से ट्राई टू उसको समझने की कोशिश करना। वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हियर ओ पी वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द ओ पी वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द बी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द ए वेक्टर ओके। नाउ थीटा इज व्हाट, थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन व्हाट वी डू, वी मेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है इसके हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं ठीक है। तो इसे कंपोनेंट बना के देखते हैं, देखो कंपोनेंट बनाना बहुत इजी है आपके लिए। इधर एक्सिस बना लो इस तरह से, ये आपने एक्सिस बनाई इधर, ये एक्स एक्सिस तो एक्स ये तो एक्स एक्सिस में ही ठीक है। देन हम क्या करते हैं, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉप करोगे और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर देंगे, ये ड्रॉप कर दिया ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमने आपको क्या बताया था, एंगल के साथ कोस थीटा होता है और एंगल के एंगल से दूर वाला कंपोनेंट जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको अगर मैं इस पॉइंट को आर कर दूं ठीक है, तो ओ आर जो है, ये ओ आर जो है ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, कोस थीटा आएगा कि साइन थीटा आएगा। हाँ ये तो हमारा ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, इस ए वेक्टर के हम कंपोनेंट कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो परपेंडिकुलर वाला ये क्या आएगा, तो ये साइन थीटा आएगा क्योंकि एंगल के साथ तो कॉस थीटा आता है और एंगल से दूर वाला क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका ए साइन थीटा ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि जो ओ आर है, ओ आर इज वेरी गुड, साइन थीटा आएगा, ओ आर इज पैरेलल टू इसको ये भी एक पॉइंट कर देते हैं, इसको एस कर देता हूँ, तो ओ आर इज पैरेलल टू एस क्यू ठीक है। तो ये जो एस, इसलिए जो एस क्यू होगा, एस क्यू भी कितना हो जाएगा अपना, ए साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये क्या जाएगी, ए साइन थीटा आ जाएगी, दिस वैल्यू इज ए साइन थीटा ठीक है, क्या आ गया, ए साइन थीटा। अब देखो हम इसमें यहाँ पर देखना, अगर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकाला जाए और ओनली उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये मैग्नीट्यूड के साइन है, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड में चाहिए मुझे डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी है। तो मैग्नीट्यूड जब निकाला जाएगा इसमें, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास ए बी साइन थीटा ठीक है ना, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ए बी साइन थीटा लिखा हमने, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि बी और इसको कर दूँ ए साइन थीटा, ये कर सकते हैं। अब इसमें बी देखें आप, बी क्या है, बी वेक्टर यानी ये यहाँ से लेके ओ से लेके पी है क्या, नहीं ये ओ पी, यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ ओ पी वेक्टर का, तो ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ठीक है। तो बिना वेक्टर के लिख सकता हूँ मैं, तो इसको ओ पी लिख देता हूँ, तो ये तो मेरा ओ पी आ गया ठीक है। अब ए साइन थीटा देखा जाए इसमें कि भाई ए साइन थीटा क्या है, तो ए साइन थीटा क्या है हमारा यहाँ पर, एस क्यू, ए साइन थीटा क्या है, एस क्यू है ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये रहा एस क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा एस क्यू ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया आपका,
OP इंटू SQ आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं, इस पैरेललोग्राम को अपन कंप्लीट करें तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब S तो इसको कर ही रखा था आपने, इसको T कर दो। तो इस एरिया अगर निकाला जाए, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा इसमें बताओ आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा ओपी, ओपी ठीक है, इंटू क्यू एस। सही है, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ध्यान है ना भाई, पैरेललोग्राम का एरिया तो आपको, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, ओपी इंटू क्यू एस, ओपी इंटू क्यू एस, या आपका क्या आ जाएगा, पेलोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो इसी को आप यहाँ पर मेंशन कर दो, यही देखो आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, ओपी इंटू यही क्यू एस या एस क्यू आ रहा है। तो ये क्या है आपका, दिस इज द एरिया, एरिया ऑफ पेलोग्राम, एरिया ऑफ पेलोग्राम, ठीक है, देखना एरिया ऑफ पेरेललोग्राम क्या है अपना, ओ पी, ठीक है, ओ पी टी, ठीक है, ओ पी टी और ओ पी टी क्यू, ये आपका एरिया ऑफ पेरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ये देखो स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, देखो स्टेटमेंट क्या होगा, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल, ओके, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, जैसे एडजेसेंट साइड थी अपनी ओपी और ओक्यू, इनको अगर वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उसके एरिया के बराबर होता है, ठीक है, उसके एरिया के बराबर होता है। और इसी से ही आप एक पॉइंट और कर सकते हैं, देखो आप इससे एक पॉइंट और निकाल लेते हैं अपन, देखो एक पॉइंट और क्या आ जाएगा कि ए वैक्टर जो हमने यहाँ फाइंड आउट करा है, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या कर दें, टू इंटू टू का मल्टीप्लाई कर दो, टू का डिवाइड कर दो, और यही वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये आपका था ओ पी और ये हो गया आपका एस की, ओ पी इंटू एस की, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ओ पी इंटू एस क्यू आ जाएगा। तो देखो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, है ना, तो ओ वन बाय टू ओ पी देखो कहाँ है आपका, ये ओ पी हो गया, ठीक है, ओपी तो ये वैल्यू हो गई और एस क्यू ये वैल्यू, ठीक है, ओपी इंटू एस क्यू। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओपी ट्राइंगल, देखो कोई ट्राइंगल बन रहा है आपका, यहाँ पर कोई सा ट्राइंगल बन रहा है कोई सा आपका, देखना आप यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पर टच कर दूँ, इसको अगर मैं ये कनेक्ट कर दूँ इसको, तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको एक ये, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी क्यू, ठीक है, हाँ ध्यान से, हाँ ज्वाइन करना है, हाँ ज्वाइन करना है आपको क्लास, पर आप ये देखो कि यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ना ओ पी क्यू,
ओपी टू का बेस कितना हो गया, ओपी हो गया, और इसकी हाइट क्या हो गई, एस की हो गई, हो रही है नहीं हो रही, येस और नो करो, येस और नो करो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसमें लिख देते हैं पीओ क्यू, लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओ क्यू। ठीक है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो आप करोगे, तो ए क्रॉस बी वेक्टर किसके, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक तो एरिया ऑफ पेलोग्राम, जो ये पेलोग्राम बन रहा है इसके एरिया के इक्वल होता है, और सेकेंड थिंग ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी ओ क्यू इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके।